बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आज एक छोटी सी बात शेयर करनी है आपके साथ। रमज़ान मुबारक का महीना है तो हम चार तरावी के बाद जो है वो एक दुआ पढ़ते हैं, तो उस दुआ के अंदर एक बहुत बड़ी गलती पाई जाती है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो मैं भी ये गलती कर रहा था तो मेरी भी तवज्जो किसी ने दिलाई, तो मैंने सोचा कि किसी और की भी अगर इसलाह हो जाए तो इसमें बुराई क्या है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो ताकि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ार लोगों तक ये बात पहुँचे। तो भाइयों, चार तरावी पढ़ने के बाद जो है वो एक दुआ पढ़ी जाती है, तो मेरे पास एक कापी है, इस कापी के अंदर भी वो गलती है नमाज की जो है वो। तो भाइयों, समझ ही गया कि कंप्यूजर के अंदर जब वो गलती डाल दी गई लेकिन उसको किसी ने ख़त्म नहीं किया, तो किसी की तवज्जो ही नहीं दिलाई गई किसी तरफ, जब वो एक गलती बाकी रही है, ये नस्ल दर नस्ल गलती चलती आ रही है। तो मैंने भी कई लोगों से सुना है, वो भी ये पढ़ते हैं, तो ये दुआ है सुबहान अज़ील इज़्ज़ती वल अज़मती, पढ़ते हैं सारे। तो लफ्ज़ क्या है, वल अज़मती, वल आज़मती, ऐन बरा ज़वाद व ज़वाद, ज़वाद के ऊपर जज़्म नहीं है बल्कि जो है वो ज़बर है। वाला आज़मती, आज़मती नहीं पढ़ना, वाला आज़मती। पूरी दुआ पढ़ देता हूँ, सुबहान अज़ील मुल्की वल मलकूत, सुबहान अज़ील इज़्ज़ती वल आज़मती, वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत, सुबहान अल मलिक अल हय्यु अल्लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकाति व रूह, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। ये पूरी दुआ मैंने पढ़ दिया। तो असल जो वो गलती यही पाई जाती है, बाकी तो लोग जो वो ठीक ठाक पढ़ देते हैं लेकिन वल अज़मती पढ़ते हैं। लफ्ज क्या है, वल अज़मती। तो भाइयों, इस पर जरूर जो है वो गौर फिक्र करना, जो भी आप माशाल्लाह सारे तरावियाँ पढ़ते होंगे, तो आप सब ने जब दुआ मसूरा जो है ये पढ़नी है दुआ, तो इस दुआ पर जब आएंगे वल अज़मती नहीं पढ़ना, वल अज़मती, ऐन बरा ज़वाज़ वज़वा अज़म इलमा अज़म तादती, वल अज़मती, अज़मती नहीं पढ़ना, वल अज़मती, वल अज़मती। ज़वा के ऊपर जब वो जज़्म नहीं पढ़नी बल्कि ज़बर पढ़नी है, वल अज़मती, वल अज़मती, अज़माती नहीं पढ़ना। तो भाई, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम सारी ज़िंदगी कब्र तक साथ ही ले जाते हैं और अपनी गलती को ख़त्म नहीं कर सकते। तो जो है वो ज़रूर गौर व फिक्र करना इस गलती पर, नमाज भी सामने रख लेना, अगर नमाज पर भी अगर किसी और ने अगर लिखी हो तो शायद हो सकता है, लेकिन जिसको अपने ये नमाज लिखी है इस पर तो गलती वाज़े तौर पर मौजूद है। तो लेकिन आपने जो है ये गलती नहीं करनी, आपने ये गलती दुरुस्त करनी है, वल अज़माती नहीं पढ़नी, वल वाला आज़माती पढ़ना है आपने। तो भाइयों, इस पर ज़रूर गौर व फिक्र करना और इसकी सलाह के अंदर जो है वो दूसरे लोगों को भी इस गलती का बतलाना। ये नहीं कि आप खुद जो जिस तरह मेरी गलती मौजूद थी, मैं भी जो है वो इतने साल से गलती कर रहा था, तो इसी तरह भाइयों और भी जो है वो हमारे भाई जो है वो इस गलती कर रहे होंगे, क्योंकि कंप्यूजन के अंदर गलती है तो सब गलती कर रहे होंगे। तो आपने खुद भी सलाह करनी है अपनी और दूसरों को भी करनी है। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।